महाभारत काल का एक महान और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह योद्धा धनुर्विद्या में इतना अधिक पारंगत था कि अर्जुन और कर्ण भी उसके आगे कुछ नहीं थे। वह योद्धा एकलव्य था, जिसे धनुर्विद्या में निपुण माना जाता है। एकलव्य का जब भी नाम आता है तो अंगूठे के कटने वाली कहानी सभी के दिमाग में घूमने लगती है, और यही वजह है एकलव्य से जुड़े अन्य पहलू खुद ब खुद दरकिनार हो जाते हैं। जैसे यह पहलू दरकिनार हुआ कि एकलव्य ने अपना अंगूठा काटने का बदला गुरु द्रोणाचार्य से लिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी अनसुनी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, पर इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। दरअसल एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति से शिक्षा ग्रहण की थी और धनुर्विद्या में निपुण हुआ था। एक बार की बात है, जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए हुए थे, उस समय एकलव्य को देखकर उनका कुत्ता भौंकने लगा। तभी एकलव्य ने अपने तीर से उस कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया। यह दृश्य देख द्रोणाचार्य काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और जान गए कि भविष्य में यह लड़का अर्जुन से भी ज़्यादा शक्तिशाली और श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। इतना जान लेने के बाद द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ छल कर दिया और एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने भी खुशी खुशी अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दक्षिणा में दे दिया। बता दें कि एकलव्य देवश्रवा का पुत्र था। जब रुक्मणी का स्वयंवर चल रहा था तब एकलव्य अपने पिता की जान बचाते हुए मारा जाता है, क्योंकि वह धनुर्विद्या में उस समय उतना निपुण नहीं था जितना वह पहले हुआ करता था। भगवान श्री कृष्ण एकलव्य के इस बलिदान से प्रभावित होकर उसे वरदान देते हैं कि वह अगले जन्म में अपना बदला अवश्य ले। आगे चलकर धृष्टद्युम्न ने पांचाल राज द्रुपद के पुत्र के रूप में जन्म लिया। जब महाभारत युद्ध के समय द्रोण के हाथों द्रुपद अपने तीनों पुत्रों तथा विराट सहित मारे गए, तब धृष्टद्युम्न क्रोध से थरथरा उठा और द्रोण को मारने के लिए उसने शपथ ली। किंतु द्रोण वीर योद्धाओं से इतने सुरक्षित थे कि वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उसी क्षण भीम ने आकर उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया तथा दोनों वीर द्रोण की सेवा में भीतर घुस गए। श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने द्रोण तक यह झूठा समाचार पहुंचाया कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही द्रोण की युद्ध करने की शक्ति मानो क्षीण ही हो गई और उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। इसी अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के बाल पकड़कर सिर काट डाला। जब द्रोण वध हुआ तो इसे लेकर अर्जुन और सात्यकी का धृष्टद्युम्न से बहुत विवाद हो गया, लेकिन इस विवाद में भीम, सहदेव, युधिष्ठिर तथा श्री कृष्ण ने किसी तरह बीच बचाव कराया। तो कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल डिवाइन ब्लेसिंग को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।